हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एजुकेशन जोन। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ अपना उत्तराखंड के जीके 2020 का ये दूसरा पार्ट। तो फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट में भी हम उत्तराखंड के जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे, उनके आंसर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, और साथ ही जो व्यूवर्स मेरे साथ यहाँ पर नए जुड़े हुए हैं वे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी वे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का उत्तराखंड जीके 2020 का ये दूसरा पार्ट। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, गोरखों ने कुमाऊं पर आक्रमण कब किया? जो गोरखे थे उन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण कब किया? सन 1790 में। गोरखों के कुमाऊं पर आधिपत्य के बाद यहाँ का सूबा कौन बना? तो सूबा जो कि सूबेदार भी होता है वो किसे बनाया गया यहाँ पर? ये बनाया गया जोगा मल्ल शाह को। अगला प्रश्न है, पुंगाड़ी क्या था? तो एग्जाम्स में कई बार कुछ खास शब्दों का अर्थ पूछा जाता है, वो किससे संबंधित है? तो पुंगाड़ी क्या था? ये था भूमिकर, यानी कि लैंड रेवेन्यू जो होता है। अगला प्रश्न है चौथा, चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? ये किसने करवाया था? ये करवाया था गोरखा सूबेदार महावीर थापा ने। पांचवा प्रश्न है, नेपाल का समूचा साहित्य किस भाषा में मिलता है? तो ये किस में मिलता है? नेवारी भाषा में। अगला प्रश्न है, टिहरी में वेधशाला का निर्माण किसने करवाया? तो टिहरी में किसने करवाया था? ये कीर्ति शाह ने करवाया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो कीर्ति शाह थे बहुत विद्वान थे, और ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से इन्हें कंपेनियन ऑफ इंडिया और नाइट कमांडर की उपाधियाँ प्रदान की गई थी। प्रश्न संख्या 7, टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो टिहरी को किसने बनाया, कई बार पूछा जाता है, ये बनाया सुदर्शन शाह ने। प्रश्न संख्या 8, किस अंग्रेज अधिकारी को सुदर्शन शाह ने बाघ से बचाया? तो ये कौन थे अंग्रेज अधिकारी? फ्राइडन। प्रश्न संख्या 9, किसने अपने राज्य में सड़कों का निर्माण उच्च स्तर पर करवाया? तो ये कौन थे? नरेंद्र शाह। तो फ्रेंड्स, जैसे शेरशाह सूरी ने भी सड़कों का जाल बिछवाया था अपने राज्य में, उसी तरह नरेंद्र शाह ने भी सड़कों का निर्माण उच्च स्तर पर करवाया। प्रश्न संख्या 10, 1930 के रमाई कांड जो कि तिलाड़ी मैदान पर हुआ था, ये किसके शासनकाल में हुआ? तो ये किसके शासनकाल में हुआ? ये नरेंद्र शाह के शासनकाल में हुआ था। तो फ्रेंड्स, कई बार इसका सन भी पूछ लिया जाता है कि रमाई कांड कब हुआ था? ये कब हुआ था? 1930 में, और कौन से मैदान पे हुआ था? तिलाड़ी मैदान पर हुआ था, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल, 11वां प्रश्न है, गढ़वाल राज्य में राज्य का सर्वोच्च मंत्री था कौन? क्या कहलाता था? वो था मुख्तार। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलाराम के ग्रंथ के अनुसार चणु कौन थे? तो ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया था? ये होते थे उस समय तीव्रगामी संदेश वाहक, यानी कि संदेश को ले जाने वाले। अगला प्रश्न है 13, गढ़वाली कलम नामक तुलिका का विकास किसने किया? तो यहाँ पर सबसे पहले तो तुलिका क्या होती है? ये होता है पेंट ब्रश। तो गढ़वाली कलम, इस तुलिका का विकास किसने किया? तो ये किसने किया? श्यामदास तोमर व उनके वंशजों ने। अगला प्रश्न है, मध्य हिमालय का पहला राजनीतिक वंश कौन था? यानी कि उत्तराखंड का जो पहला राजनीतिक वंश था किसे माना जाता है? ये था कार्तिकेयपुर राजवंश, जिसका समय लगभग 700 से लेकर 1050 ईस्वी तक माना जाता है। अगला प्रश्न है 15वां, चंद वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन थे? सोमचंद।
प्रश्न संख्या 16, सोमचंद ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो सोमचंद ने अपनी राजधानी किसे बनाया? ये बनाया चंपावत को। प्रश्न संख्या 17, तारीख़ मुबारकशाही के अनुसार सन 1380 में दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह के डर से किसने कुमाऊं में शरण ली? तो कौन थे ये सरदार जिन्होंने कुमाऊं में शरण ली? इनका नाम था खड़गू। अगला प्रश्न 18, सभासार नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये किसने की, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये है सुदर्शन शाह का। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, आने वाले एग्जाम्स के लिए भी, सभासार नामक ग्रंथ कितने खंडों में है? तो ये कितने खंडों में है, ये है 7 खंडों में। अगला प्रश्न, कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन है? तो कत्यूरी वंश का संस्थापक ये हैं बसंत देव। और बागेश्वर में प्राप्त त्रिभुवन राज के शिलालेख के अनुसार वहाँ पर इनका नाम दिया गया है, तो इन्हें माना जाता है कत्यूरी वंश का संस्थापक। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे उत्तराखंड जीके 2020 के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अंत में एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, चंद वंश से ये संबंधित है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये बताइए कि शेन शास्त्र व त्रैवर्णिक धर्म निर्णय नामक ग्रंथों की रचना किसने की, किस चंद शासक ने ये की थी? तो ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का उत्तराखंड जीके 2020 का दूसरा भाग। जल्दी ही मैं और भी इसके भाग लेकर आप लोगों के सामने फिर से आऊँगा। तो इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, और जो भी नए दर्शक यहाँ पर जुड़ रहे हैं वे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि वो भी आने वाले समय में मेरे जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। तो जल्दी ही फिर से आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।